ऐसा था बॉलीवुड के इस एक्टर का तेवर। निर्देशक के सामने कुत्ते से पूछकर ठुकरा दी थी फिल्म। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर हैं जो अपनी बेहतरीन एक्टिंग, शानदार एक्शन और खूबसूरत स्टाइल के लिए दुनिया भर में फेमस हैं। इनके चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गुजरे जमाने से भी कई ऐसे एक्टर थे जो अपनी एक्टिंग और डायलॉग के साथ साथ अपने एटीट्यूड के लिए भी जाने जाते थे। ऐसे ही एक अभिनेता थे राजकुमार, जो अपने डायलॉग और एटीट्यूड के लिए जाने जाते थे। राजकुमार का जन्म 1926 को हुआ था। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1952 में रिलीज हुई फिल्म रंगीला से की थी। इस फिल्म के बाद राजकुमार ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। इसके बाद साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म पैगाम में इन्हें एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म से ये रातों रात एक सुपरस्टार बन गए। फिल्म की सफलता के बाद इनमें एक एटीट्यूड ने जन्म ले लिया था। इनके तेवर काफी बदल गए थे। अब राजकुमार फिल्म निर्माता के पीछे नहीं, बल्कि फिल्म निर्माता राजकुमार के पीछे भागने लगे। उस समय बॉलीवुड के महान फिल्म निर्माता और निर्देशक रमानंद सागर इनके बेहद करीबी दोस्त थे। रमानंद सागर को उस समय फिल्म आंखें के लिए हीरो की तलाश थी, इसलिए रमानंद सागर राजकुमार के पास गए और अपनी इस फिल्म की पूरी कहानी राजकुमार को सुनाई। कहानी पूरी सुनने के बाद राजकुमार ने अपनी सिगार जलाई और वहीं घूम रहे अपने कुत्ते को अपने पास बुलाया। कुत्ते को पास बुलाकर राजकुमार ने कुत्ते से पूछा, बताओ यह कहानी तुम्हें कैसी लगी? कुत्ता कुछ देर शांत रहा और फिर जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते का भौंकना देखकर राजकुमार ने कहा, जानी जब तुम्हारी कहानी हमारे कुत्ते को पसंद नहीं आई तो हमें कैसे पसंद आएगी। राजकुमार की इस तरह की बातें सुनकर रमानंद सागर वहां से चले गए और फिर फिल्म आंखें के लिए उन्होंने धर्मेंद्र को फाइनल कर लिया। फिल्म रिलीज हुई, साथ ही बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। हालांकि राजकुमार ने अपने करियर में भी कई बड़ी फिल्में की हैं जो लोगों को काफी पसंद आई हैं। उनकी दमदार एक्टिंग और जबरदस्त डायलॉग का हर कोई दीवाना था। बता दें कि 70 साल की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन आज भी इनके डायलॉग लोगों के जुबान पर हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।